आपके कहने पर हमने सब कर दिए हैं, लेकिन कहीं गलती से भी ठाकुरायन जी को पता चल गया ना, इसी दिवाली पे हमारा दिवाला निकलेगा रे मेरी मैया। चुप, रोना बंद कर चक्रम, आज हमें तुझे नहीं उस बंदरिया टोरी को रुलाना है। इसलिए बस वो एक बार इन सब खाने का नाम सुनकर दादी की खींची लकीर पार कर ले, फिर हम उसे ऐसा रुलाएंगे दादी से, तू बड़े बड़े आंसू रोएगी वो बंदरिया। रसगुल्ला खिला, खाइए। वाह, मजा आ गया यार, रसगुल्ला जरा वो जलेबी भी खिलाना चक्रम। वाह क्या जलेबी है, मजा आ गया। चलो अभी गुलाब जामुन कौन खाएगा? क्या गुलाब जामुन है, मजा आ गया। अरे खा रहा है तो चुपचाप खा नहीं सकता बंदर, और खिला और खिला। लो रसगुल्ला चक्रम। वाह 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 क्या रसगुल्ला, पक्का वो मुझे सुनाने के लिए इतने जोर जोर से बोल रहा है, पर इसकी वजह से भूख तो बढ़ती ही जा रही, भूखा तो रहा ही नहीं जा रहा। डोरी एक काम कर, तू सोच पानी ही रसगुल्ला और रसगुल्ला ही पानी है, सोच कि ये बहुत मीठा है। सच में ये बहुत मीठा है। डोरी अब तू सोच तेरा पेट भर गया और पानी पी के सो जा। वाह भूख भी मिट गई और प्यास भी चली गई, मुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी खाइए खाइए। वाह चक्रम गोलगप्पे भी तुम लाए चक्रम, शाबाश। गोलगप्पे? वाह चक्रम वाह, क्या गोलगप्पे इतने बढ़िया है, इतने बढ़िया है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। और सुन नास बेटी, तू मत भूलना लकीर के उस पार नहीं जाना है, नहीं तो वो लोग तेरे बाबा को उस नौकर की तरह सजा देंगे। नहीं चाहे कितनी भी भूख लग जाए मैं नियम नहीं तोड़ूंगी, भूख भी बहुत लग जाए, पेट में पूरे चूहे कूद कूद कर पूरे पेट को हिला रहे। और गोलगप्पे का पानी तो इतना मसालेदार है और इतना तीखा है, क्या बताऊं। अब भूख नहीं लगेगी। दीजिए खा लीजिए, और उसको जाने दीजिए, वो नहीं आएगी, खा लीजिए। उसका तो पता नहीं, इससे पहले हमें कुछ आ जाएगी। लाला ठाकुर, लाला ठाकुर। चुप हो जा मेरी महारानी, चुप हो जा मेरी महारानी। पता है तेरी माँ कितनी थक गई है, सवेरे से दिवाली के इतने सारे नाश्ते और मिठाई की रीले बना बना कर, ये सब आसान काम थोड़ी होता है। सारे वीडियो को एडिट करना, फिर उसको फोन में डालना, फिर उसको अपलोड करना। कोमल बहू, चिच्ची सासुमा, कैसे हैं हमारे छोटे राजकुमार? आज हमने अपने छोटे राजकुमार के लिए अपने हाथों से कुर्ता बनाया है। है सच्ची, आपने अपने हाथों से बनाया है? हाँ तो कलाशी ठकुरायन के लिए उसके पोते उसकी जान है, जल्दी से हमारे पोते को ये कपड़े पहना कर लेकर आना। रख दो।
सासू माँ, ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, बस रोए जा रही है कब से। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लड़की तो अपनी किस्मत में रोना लिखवा कर लाती है। खुद भी रोती है और जिंदगी भर अपने माता पिता को रुलाती रहती है। जी 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 सासू माँ, आप चलिए मैं इसे दूध पिलाकर फिर आपके पोते को अच्छे से रेडी करवा कर लाती हूँ। कितनी बार समझाया तुम्हें, बंजर जमीन को सींचोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब अपना सारा दूध इस लड़की को पिलाओगे तो क्या हमारा पोता भूखा रहेगा क्या? नहीं सासू माँ, बस थोड़ा सा ही पिलाऊंगी वरना रोती रहेंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कानों को चुपती है इसकी हंसी, वैसी भी लड़की है, सहलेगी भूख और सहना सीखना भी चाहिए लड़की को, क्योंकि सहने से सहनशीलता बढ़ती है। पर लड़के आगे चलकर उन्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, परिवार की शान को बढ़ाना पड़ता है, वो भूखे रहे अच्छा नहीं लगता। रसोई में दूध रखा है, बाद में इसे पिला देना। सुनो जी ठीक है, इस आफत की बुढ़िया को हमारी नजरों से दूर रखो, ले जाओ इसे। हमारे पोते को जल्दी से तैयार करके नीचे लेकर आना। जी 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 ससमा। घूमने चलेंगे बाबा, घूमी ना? हाँ हम तो आ गए। ओ सुमन कुमारी, हमारे कमरे में कुछ साड़ियाँ पड़ी हैं, जल्दी से लेकर आ। लाई लाई ठाकुरान जी। बच्चा रो रहा है, कोई उसे चुप क्यों नहीं करा रहा? बच्चे के रोने की आवाज तो बाहर से आ रही है। पक्का ये वंश की कोई नई चाल है मुझे परेशान करने की, क्योंकि मैं बाहर जाऊं और ठकुराइन का बनाया हुआ नियम टूट जाए। पर मैं भी बुद्धू नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं, ये आवाज वो बंदर नहीं निकाल सकता, ये सच में बच्चे के रोने की आवाज है। बच्चे को अकेले किसने छोड़ दिया? और ये छोटी गुड़िया के रोने की आवाज कोई सुन क्यों नहीं रहा है? इसे चुप कैसे करूं? और इस लकीर को पार कैसे करूं? वरना पता नहीं ठकुराइन जी बाबा को क्या सजा दे। कोई है? ठकुराइन मंदिर वाली आंटी, छोटी ठकुराइन, कोई है? गुड़िया को कोई चुप करा, गुड़िया बहुत रो रही है, आकर इसे चुप करा दीजिए। कोई है?
चुप हो जा। गुड़िया चुप हो जा। चुप हो जा। गुड़िया मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पास नहीं आ सकती, तुझे गोदी में लेकर चुप नहीं करा सकती, तुझे खुद चुप होना पड़ेगा। ये तो रोए जा रही है, क्या करूं? बाबा कहाँ हो? अरे गंगा, कतरनों से बनी ड्रेस तेरी परी जैसी डोरी को पसंद आएगी क्या महाराज? क्यों पसंद नहीं आएगी? और ये ड्रेस मैंने कतरनों से थोड़ी बनाई है। अरे ये सारे कपड़े तो पिछली 5 दिवाली से मेरी डोरी ने पहने जी। इस ड्रेस के धागे धागे में हमारी दिवाली की यादों की बुनाई लगी है जी। अरे वाह महाराज, अंधेरे में भी रोशनी का हुनर कोई तुमसे सीखे। ए, सत्तू, तू कैसा है? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। डोरी कैसी है? वो दिवाली कैसे मना रही है? उसे अच्छा लग रहा है ना हवेली में? उसे याद तो आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, डोरी बिल्कुल ठीक है, तुम सबको बहुत याद करती है। लेकिन इतनी बड़ी हवेली में बड़ी ठाकुराइन के अपने कायदे कानून नियम है जो सबको मानने पड़ते हैं। मैंने डोरी को वहां पर कस के बांधा है। बस संकट मैया से एक ही प्रार्थना है कि हमारी डोरी कुछ ऐसा ना बोल दे या ऐसा ना कर दे जिससे बड़ी ठाकुराइन को गुस्सा आ जाए। बुढ़िया मत रो, मैं वहां नहीं आ सकती वरना मेरे बाबा को सजा मिलेगी। तू मेरी बात समझ, चुप हो जाना। नहीं गुड़िया, तू हिल मत, हिल मत, वरना तू गिर जाएगी, तुझे चोट लग जाएगी। ठीक है ना? चुप हो जा, मैं आ गई हूँ। बाबा कहते मैं बहुत रोती थी जब मुझे भूख लगती थी। लगता है इस गुड़िया को भी भूख लगी। क्या करूँ, क्या खिलाऊँ इसे? रसोई से जाके कुछ ले लेती हूँ। पहले से क्या कम आफत है इस घर में तो तुम बार बार आ जाती हो यहाँ पर? पता है ना कि हम साथ में दिख नहीं सकते हैं। हम जानते हैं, पर हम तो आपके दिल में रहते हैं ना, और वहां जाकर कोई नहीं देख सकता। तुम हमारी अम्मा को नहीं जानती हो। वो दिल नहीं सांप के बिल में से ऐसे हाथ डाल के सांप निकाल सकती है। ठकुराइन जी को हम जानते हैं बहुत अच्छे से। देखिए तभी तो वो नए ऑर्डर का बहाना करके आपसे मिलने आए हैं। आप हमारा फोन भी तो नहीं उठा रहे थे सुबह से, इसलिए तो पर्सनली आपसे मिलने चले आए। जानते हम डोरी की वजह से कैसे आपको कांटों पे से चलना पड़ रहा होगा ना। उस कांटे को निकाले कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है आपको? जी तो करता है कि उसका गला दबा दे। मंजले ठाकुर, ऐसे
ऐसे कालर पकड़ कर ले जाएगी वो इंस्पेक्टर साहिब आपको। अगर आपके रहते रहते ना डोरी को कुछ भी हुआ तो सारा का सारा इल्जाम केवल आप पर आएगा और आपके प्यारे प्यारे हाथों में ना कानून का कंगन होगा। तब भी तो आपको समझा रहे ना, ये सब छोड़िए, केवल चुपचाप बैठकर तमाशा देखिए। मतलब हम चुपचाप बैठ करके तमाशा देखें और मानसी को, पूरी दुनिया को, पूरे शहर को मालूम चल जाए कि डोरी हमारी बेटी है। अरे नहीं नहीं ना मंजले ठाकुर, देखो पूरी दुनिया को मालूम है कि डोरी केवल वो गंगा की ही बेटी है। हाँ बाकी वो चिरैया ना वो केवल आसमान में उड़ना चाहती है, उसको उड़ने दीजिए। और वैसे भी वो ठाकुराइन के पिंजरे में ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगी, अपने पर जरूर फड़फड़ाएगी और कुछ ना कुछ गलती करेगी। बस तभी ना तभी मौका देके पिंजरा खोल दीजिए और उड़ा दीजिए उसको, और ना उड़ी तो काट दीजिए उसके पर, काट दीजिए। पल का तो इंतजार है हमें। चुप हो जा, हो गया हो गया। ये संकटा मैया मुझे माफ कर देना, ये मैं अपने लिए नहीं गुड़िया के लिए कर रही हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप गुड़िया। संकटा मैया सच में ये दूध मैं गुड़िया को ही पिलाऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। गुड़िया तो इस घर की बच्ची है ना, कहाँ बैठूं? सब जगह तो तोहफे रखे, गुड़िया को लेकर दूध कहाँ पिलाऊं? ये बड़ी वाली कुर्सी खा ले, इस पर बैठकर गुड़िया को दूध पिला देती हूँ। वाकई राजा राम खुद ही अपना राजपाट लेने आ गए हैं। घर में कदम रखते ही घर के सबसे बड़े वारिस ने घर की मुखिया की कुर्सी पर आते ही अपना पैर जमा लिया, हक जमा लिया। देखिए पर आपके होते ऐसा नहीं हो सकता ना। देखिए हमने आपसे कहा था ना सब्र कीजिए, वो देखिए सबर का फल। अब जाइए, जाके फायदा उठाइए इसका। जाइए। ये देखो दी क्या बवाल मचा रही है दादी, ये देखो ये क्या कर रही है, आपके कुर्सी पर बैठी है दादी। ये क्या कर दिया तूने डोरी,
तू कहाँ बैठी है? मम्मी कसम अगर माँ ने देख लिया ना तो इस कुर्सी के साथ में जमीन में अंडरग्राउंड कर देगी तुम्हें। मुझे मंजिल ठाकुर, यही तो वक्त है। कैसे हुई माँ की खींची हुई लकीर को लांगने की? और ये कुर्सी जिस पर आज तक हम क्या हमारे बाबूजी तक नहीं बैठे, तुम उस पर बैठ गई। आज तुमने हद पार की है, जिसकी सजा हम तुम्हें और तुम्हारे बाबा को देंगे। तो रो ही रही थी ना, क्या हो गया ऐसा? सिर्फ रो नहीं रही थी, ये सोफे से गिरने वाली थी। वाह जीवा, तेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे घर में मेरी बच्ची को देखने वाला कोई नहीं है? हम सब कान में रुई लगाकर सोए हुए थे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो माँ, कैसे पटर पटर झूठ बोल रही है ये। वो भी हमारी गुड़िया का नाम देखे, तेरे को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? राज चाचू, ये किसी की नहीं सुनती, एक नंबर की झूठी है ये। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तुझे मना किया था ये लकीर पार करने से, मेरी जरा आंख क्या लग गई, तू सीधे आकर ठकुराइन जी की कुर्सी पर बैठ गई। काहे? अरे क्योंकि माँ की कुर्सी में बैठकर माँ जैसी दिखना चाहती थी ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम तुम्हें और तुम्हारे बाबा को ऐसी सजा देंगे ना, ऐसी ढीठ और असभ्य लड़की को पालने की सजा, उसका दूसरा हाथ भी तोड़ काट। गलती हो गई टुकड़े, मुझे माफ कर दो। गलती तो मुझसे हुए ना टुकड़े, तो सजा मेरे बाबा को का है।
खुद मत करना मेरे बाबा को, मार दो, लेकिन बाबा को कुछ मत करना। नहीं दादी, आप इससे बहुत बड़ी सजा देना ताकि ये गलती करने से पहले 100 बार सोचे। वंश बिल्कुल सही कह रहा है माँ, एक बार क्या हवेली के अंदर पैर रखने दिया, खुद को ठकुराई समझने लग गई है। लड़की का हमारे सामने हाथ जोड़कर रोना, ये हमें पसंद नहीं है। आप सच में कुछ नहीं करेंगे ना मेरे बाबा को? इस बार हम तुम्हें माफ कर देंगे। छोटी सी बच्ची हो, गलती हो गई, खुल जाओ इसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठकुराइन जी। गंगा भैया, डोरी को मालपुए बहुत पसंद है ना, मैंने खास उसके लिए बनाए हैं, इसे दे देना। अरे वाह भाभी, मालपुए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोरी मालपुए देखेगी तो उसका चेहरा ही नहीं, उसका दिल भी खिल उठेगा। ये दे दो मुझे। और हाँ, आज शाम को ठकुराइन हम सबको सारी के ऑर्डर के पैसे देगी, तो शाम को आप सब लोग हवेली आ जाना, वही पैसे बांट लेंगे और फिर खूब धूमधाम से मनाएंगे दिवाली। ये दिए और सरसों का तेल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूं। हाँ? अरे गंगा रोक। बंसी, क्या हुआ? इस साड़ी कैलासी ठकुराइन ने दी थी पालिस के लिए, तू हवेली जा रहा है तू उन्हें दे देना, पर संभाल के, बहुत महंगी है, असली सोने के तार लगे हैं इसमें। बंसी, तू फिकर मत कर, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर ले जाऊंगा, चलता हूं। दादी, दादी, आपने स्टूपिड डोरी को डांटा क्यों नहीं? उसने आपकी कुर्सी पर बैठकर बहुत बड़ी गलती की थी। कैलाशी, ये मत भूलो कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपनी साड़ियां बचाई, बहुत बड़ा एहसान है उनका हम पर।
लल्ला, हमने उस पर गुस्सा इसलिए नहीं किया लल्ला, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर, और कैलाश ठकुराइन जबान रखती है एहसान नहीं। आज उसे माफ करके हमने वो एहसान उतार दिया है, लेकिन उसकी अगली गलती पे उसे बहुत बड़ी सजा दोगे आप उसे, है ना दादी? हाँ, उसे भी और उसके बाबा को भी। अब डोरी को दिवाली का सामान दिखाना है, पर उससे पहले ठाकुराइन को उनकी साड़ी दे दूं, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर तो कोई नहीं है, इतनी महंगी साड़ी है, किसी को भी कैसे दे दूं? उनके हाथ में देना सही होगा। छोटे ठाकुर जी, बंसी बुनकर ने ठाकुरान जी की ये साड़ी भेजी है, और मैं ये लकीर को पार नहीं कर सकता हूं, क्या आप ठाकुरान जी को दे देंगे? धन्यवाद। इतनी बड़ी गलती तुझसे हो कैसे सकती है? हाँ, इतनी मुश्किल से इतनी बड़ी हवेली में रहने का मौका मिला था, और तू अपनी गलती से मेरे और गंगा के सर के छत भी छीन रही थी। अरे तेरी वजह से हम और गंगा आज बेघर हो जाते हैं। भगवान, हे संकटा मैया। मुझसे गलती हो गई नानी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पापा कहते हैं ना, पिंजरा अगर सोने का भी हो तो भी वो पिंजरा ही होता है। ये हमारा घर तो नहीं है ना? ये मेरे घर तो नहीं है ना? पटर 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 पटर। खबरदार, जो अपने बाप के सामने मुंह खोली तो कि तेरे साथ क्या हुआ है, नहीं तो एक मुसीबत और पड़ जाएगी हमारे बटवा के गले। डोरी, ए डोरी, डोरी देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूं। मैं नहीं, मतलब बस्ती वालों ने तेरे लिए क्या क्या दिया है। इतने सारे दिए? इतने सारे रंग? सत्तू की मम्मी ने तेरे लिए मालपुए दिए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना मालपुए? अरे वाह। अरे हाँ, एक और चीज है तेरे लिए। कौन सी? ये देख, तेरी ड्रेस। ये आपने बनाई है? हाँ, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाई। बहुत अच्छी है। आप क्या पहनोगे बाबा? मैं? गोविंद काका ने अपना कुर्ता दिया मुझे पहनने के लिए, ये पहनूंगा। अच्छा है ना? ये तो एकदम फीका है, बहुत पुराना भी लग रहा है। फीका है तो क्या हुआ, तेरा हाथ लगते ही प्यार का रंग चढ़ जाएगा इस पे। तो ठीक है, मैं इस पे प्यार का रंग चढ़ा देती हूँ। डोरी, तू तो बड़ी तेज है, कैसे तूने इतने सारे रंग भर दिए मेरी दिवाली में, बहुत सुंदर। आपको अच्छा लगा बाबा? बहुत अच्छा। ये चाट हमने हमारे लिए बनाई थी, तो सोचा आप लोगों को भी खिलाती जाऊं। वो आज दिवाली है, और दिवाली तो खुशियां बांटते मनाई जाती।
जो रहती है इसे ऐसा भी बन इसे ठीक है मैंने अरे अरे नानी थोड़ा सा रुक जाओ रुक जा हाथ धो क्या नानी का है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा काम दूजा नहीं बाबा और डोरी करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा खा ले पहले सच कह रहे हैं मम्मी जी का जंजाल है बच्चों को पालना और हमारे तो दो दो है क्या बताएं खूब रोते रहते हैं एक को रोना चुप कराओ तो दूसरा रोने लगता है और रोने से छुटकारा मिले तो लंगोट गीला कर देता है बस ये समझो कि सारा दिन रोना धोना रोना धोना हमारी तो किस्मत फूटी हो तुम्हारा गिफ्ट नहीं है अब हमारी माँ की साड़ी है गंगा बुनकर बस्ती से लाया था पॉलिश करने के लिए दी थी ये सब छोड़ो तुम ठीक हो ना अरे का कर रही हो यार तुम ये छोड़ो इसे अरे हमारी रानी यार तुम मरवाओगी यार हमें का कर रही हो का कर रही हो तुम अब ठीक हो और आ गई हो कबे हाँ ये माँ की साड़ी है और बहुत एक्सपेंसिव है छोड़ो इसे हस्बैंड जी सुनिए ना क्या है सुनिए तो कैसी बातें कर रहे हैं आप अच्छा सुनते हैं हमारी रानी हाँ। बस बोलो देखो ये साड़ी जवानी को संवारने के लिए है ना कि सासू माँ के बुढ़ापे को छुपाने के लिए और देखिए ना ये इतनी अच्छी साड़ी रंगत स्टाइल वाली महंगी साड़ी सासू माँ में कहाँ पहनने देंगी बस दो ही तो फोटो निकालने दीजिए ना अरे यार तुम क्या कर रही हो यार तुम्हारे स्टाइल के चक्कर में माँ हमारी लाइफ स्टाइल खराब कर देगी यार देखो कोमल पता है ये साड़ी ट्रेंडिंग में है दीपिका ने पहनी थी वो भी पार्टी में कौन सी दीपिका वो चक्रम की गर्लफ्रेंड कौन अपना चक्रम तो नहीं रणवीर सिंह वाली और अब छोड़िए दीपिका शिपिका को आप बस हम पर फोकस कीजिए देखिए हम पे जच रही है नहीं तुम जचोगी नहीं तुम फटोगी यार ये साड़ी नहीं एटम बॉम्ब है और ये एटम बॉम्ब हम माँ को देके आ रहे हैं तुम माफ करो यार अरे रुकिए बस दो तीन वीडियो से फोटोज निकालते हैं ना बस हस्बैंड जी बस निकाल दीजिए अच्छा हां सुनो हमारी रानी जो करना जल्दी करो यार प्लीज म्यूजिक तो बजा दीजिए हम साड़ी रेडी कर लेते हैं बस हां बचा दीजिए म्यूजिक आप अरे वीडियो तो निकालो हां निकाल वीडियो निकाल क्या कर रहे सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव अरे फोटो थोड़ा और फोटो हमारी रानी क्या कर दियो यार तुम क्या कर दियो यार तुम साड़ी फाड़ दियो धीरे धीरे युवराज सो रहा है कहा युवराज उस युवराज को छोड़ो इस राज का क्या होगा यार माँ मैं मुझे नहीं पता मुझे पता नहीं कैसे फट गई अब तुम बताओ खरे का लेके चलते ना इसे चली ना आप जल्दी 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 अरे हमारी रानी यार ये तो लेके चलो जल्दी से ये फ्रॉक पहन ले फिर पूजा करते हैं गंगा Thank you.
हमारी साड़ी लेकर आया ना बुनकर बस्ती से, तूने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? ये साड़ी फट कैसे गई? साड़ी कैलासी ठकुराइन ने दी थी पॉलिश के लिए, पर संभाल के असली सोने के तार लगे हैं इसमें। साड़ी फटी हुई है। वाह गंगा वाह, सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक हमारे सामने तो मत करो। ठकुराइन जी, संकटा मैया की सौगंध, साड़ी का पैकेट जैसे ही बंसी बुनकर ने मुझे दिया, मैंने वैसे ही लाकर छोटे ठाकुर को दे दिया था। कितना झूठा है भाई ये, खुद को बचाने के लिए इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। इसने जैसे ही साड़ी मुझे दी, मैंने आपको सौंप दी। अच्छा आपने साड़ी देखी तो वो फटी भी निकली। इससे झूठा और मक्कार आदमी नहीं देखा मैंने। नहीं ठाकुरान जी, मैं सच बोल रहा हूं, हम बुनकर गरीब हैं लेकिन झूठे और बेईमान नहीं है। छोड़ी है ऊपर से सीधा छोड़ी। बाबा बाबा, तुझे पता भी है कि इस साड़ी की कीमत क्या है? मेरे भाई पे इल्जाम लगाता है। नहीं, मेरे पापा को भी झूठ नहीं कहते। वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मेरे पापा ऐसे कभी फटी हुई साड़ी नहीं देंगे किसी को। फाड़ी थी ना, इसलिए उसके बदले में हमने तेरी फ्रॉक फाड़ दी। ये ले। सम्मान और नुकसान दोनों को हल्के में नहीं लेती है ये कैलाशी ठकुराय। हमारी साड़ी को तूने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अब भरपाई भी तू ही करेगा। इस साड़ी की कीमत है 5 लाख। तुम बुनकरों ने हमारे लिए जो साड़ी बनाई है उसका मेहनताना है 1 लाख, जो अब तुम लोगों को नहीं मिलेगा। अब 5 में से 1 निकाल दिए तो बचता कितना है? 4। अब ये 4 लाख तुझ पर कर्ज है गंगा, कर्ज है। अब तू जिंदगी भर हमारे परिवार के लिए काम करेगा, जब तक तू ये कर्ज नहीं उतारता।
ठकुराइन जी, मैं ये कर्जा कैसे उतार पाऊंगा? हमारे लिए काम करके जब तक तुम ये कर्ज नहीं चुकाते तब तक तुम हमारे परिवार का बंधुआ मजदूर बनकर रहोगे। बंधुआ मजदूर। सुना तूने, जब तक हमारी साड़ी की पाई पाई तू नहीं चुकाता तब तक तू हमारा गुलाम रहेगा। अब बाबा की पहचान का क्या होगा? तुम्हारी बेईमानी की सजा यही है। गुलाम, बेईमान, ठकुराइन जी, हम गरीब लोग हैं। ये तमगे बहुत बड़े, बहुत भारी है हमारे लिए। मैं इनका बोझ कैसे उतार पाऊंगा? साड़ी बुनना सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये हमारी पूजा है। हम काम को ही भगवान मानते हैं। भगवान से बेईमानी करके हमें नरक थोड़ी जाना है जी। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? उल्टा वहां से जवान लड़ाता है। अरे जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। भैया, गलती हमारी है। हमें बाहर की गंदगी को बाहर ही झाड़ के आना चाहिए। हम तो खुद उसे अंदर लेकर आ गए। और सुन, माँ ने बोल दिया कि तू आज से हमारा गुलाम है तो गुलाम है। देख गंगा, बात मान ले कि साड़ी तूने ही फाड़ी थी। क्या पता माँ तुझ पर दया कर ले। मैं कभी झूठ नहीं बोलता जी। जो गलती मैंने की नहीं उसे कैसे मान लूं? पर आप लोग मालिक हैं, जो सजा देंगे उसे तो मानना ही पड़ेगा। कैलाशी, धर्मशंकर जी ने 2 साल पीछे पड़ने के बाद हमारे घर में पूजा के लिए हाँ कर दी है। कैलाशी, ये क्या है? ये हमारा न्याय है और इसके साथ हमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। इसके साथ यही होना चाहिए था। चलिए बाबा, हम बताते हैं आपको। मोहन जी। मालकिन, यहां जो कचरा गिरा है उसे साफ कर दो और हवन की तैयारियां शुरू करो। ठीक है, चलो लल्ला। न जाने अब की कैसन दिवाली आई ला। जितना उजारा कर दा, ये अंधेरा है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। बाबा, बाबा इतना लोड मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर देना बुढ़िया, मुझे माफ कर देना। मैंने सोचा था
ठाकुरायन से आज जो पैसे मिलेंगे उससे तेरा स्कूल में दाखिला कराऊंगा। पढ़ा लिखा कर तुझे अपनी पहचान दूंगा। लेकिन मैं नाकाम हो गया, मैं नाकाम हो गया मुनिया। तेरे बाबा की तरह भी और बस्ती वालों के दोस्त की तरह भी मेरी वजह से आज सबकी दिवाली काली हो जाएगी। मुझे माफ कर देना। बाबा अब चिंता मत करो, संकट मैया सब ठीक कर देगी। बाबा बड़े से बड़े मुश्किल में कभी नहीं आ रहे, कभी इतना उदास नहीं हुए जितना आज हुए। वो तो करेले की सब्जी खाकर भी ऐसे मुस्कुराते जैसे कि मोती चूर के लड्डू खाए हो। दिए में सूरज देख लेते बाबा, लेकिन आज उनका ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है संकटा मैया। मैं बाबा की मरहम हूँ, पर ना मैं आज उनके आंसू पोंछ पा रही हूँ, ना खुद को रोक पा रही हूँ। जब मेरे बाबा ने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो उन्हें उसकी सजा क्यों मिल रही है संकटम मैया? बोलो ना माँ, बोलो माँ, बोलो ना माँ, बोलो ना माँ। आप तो माँ हो ना, और माँ तो अपने बच्चे के साथ कभी गलत होने नहीं देती। आपने मेरे बाबा के साथ ऐसा क्यों किया, बोलो माँ। माँ मजबूर हो जाती है डोरी, कई बार बहुत मजबूर हो जाती है। वो नहीं सुन पाती अपनी बच्ची का दर्द, नहीं दे पाती उसे उसके हिस्से की खुशियां। कैसे कभी हार मानते हुए नहीं देखा मंदिर वाली आंटी, कभी नहीं। वो आज भी नहीं हारे हैं बेटा। तेरे बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छे और हिम्मत वाले बाबा हैं, और ऐसे बाबा कभी नहीं हारते। अगर हर बच्ची के सर पर तेरे जैसे बाबा का हाथ हो ना, तो किसी भी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। इस दुनिया की किसी भी बेटी को प्यार की कमी नहीं होगी, और ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी जिसका सपना हर माँ हर बेटी देखती है। तू देखना, माता रानी तेरे बाबा जैसे पिता के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। और मेरा दिल कहता है कि वो बेकसूर है। और डोरी, तू भी तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी ना अपने बाबा की बेगुनाही साबित करने का। हाँ
आप भी मेरे बाबा जैसे बहुत अच्छी हो। काश इस हवेली में सबका दिल आप जैसा होता। नहीं डोरी, बड़े घर वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं। इतना घमंड होता है कि प्यार के लिए जगह ही नहीं बचती। शायद इसलिए भगवान छोटे घर वालों के दिल बहुत बड़े बनाता है, ताकि उस पे प्यार भर सके। चिंता मत कर, हम इतनी सारी साड़ियाँ बुनते दे देंगे उसमें से एक ठकुराइन जी को। हम काहे दे साड़ियाँ, मैं जानती हूँ बाबा ने साड़ी नहीं फाड़ी है। पर किसने फाड़ी है ये कैसे पता चलेगा? सच में इन अमीर लोगों का दिल ना मूंगफली जैसा होता है, एकदम छोटा। हाँ सत्तू, अच्छा हुआ मैं अमीर और बड़े घर में पैदा नहीं हूँ, वरना मैं भी इनके जैसी होती। मुझे बस अपने घर जाना, मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। कौन सा घर? तुम माचिस की डिब्बी को अपना घर कहती है? मेरा घर माचिस की डिब्बिया नहीं है। तो फिर दो कदम चलते एक कदम कैसे हो जाता? अच्छा मुझे तो लगता है तुम सोचे भी खड़े होकर होते होगे। ये देख, ये होता है घर, ये है मेरा महल, जहाँ का मैं राजकुमार हूँ, तू और तेरे बाबा हमारे नौकर है। और दादी कहती है कि तेरे बाबा हमेशा हमारी गुलामी करते रहेंगे, समझी कटोरी और उसके चमचे। लड्डू की तरह ये दादी की साड़ी फटने वाला राज भी हमारे पेट में ही रहेगा। साड़ी के फटने का राज क्या हो सकता है? और ये साड़ी का टुकड़ा वंश के पास कैसे आया? ये सब तो वंश ही बता सकता है। तो फिर आज ये राज बंदर खुद बताएगा। ऐसा क्या करेगी तू? मैं नहीं, मैया करेगी। जय संकटा मैया, पार लगा दे हमारी मैया। चल सत्तू। रुको वंश। लड्डू के जैसे फटी हुई साड़ी का राज भी खा गए तुम? कौन बोल रहा है? पूरी दुनिया की माता रानी। अब सच्ची में देवी माँ बोल रही हैं? अब तुम्हें हम अपना त्रिशूल चलाकर दिखा तब मानोगे? नहीं 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 भेजो हमारा शेर तुम्हें खाने के लिए। मान गए। हाँ, हम तो तब मानेंगे जब तुम हमसे फटी हुई साड़ी का राज छुपाने की माफी मांगोगे। तो पहले वो राज बोलो और फिर कान पकड़कर माफी मांगो। माफी? माफी तो नहीं मांग सकते अब। क्यों? क्योंकि हमें माफी मांगना आता ही नहीं है, हमने कभी माना ही नहीं है माफी। तो कोई बात नहीं, हमें सजा देना आता है। तो अगर तुमने 2 मिनट में हमसे सच नहीं बताया तो हम तुझे भी सत्तू की तरह बकरी बना देंगे। सत्तू बकरी बन गया? पर क्यों? क्यों? क्योंकि उसने भी आज दिवाली के दिन पटाखे कहाँ छुपाया? ये छुपाया था बच्चों से, तो हमने बना दिया उसे बकरी।
अब मैं करके हर जगह घूम रहा है सतू। अरे ये तो सतू की शर्ट है। सतू तो सच्ची में बकरी बन गया। नहीं 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 देख तेरे अरे मैंने अभी तक तुम्हें बकरी बनाया भी नहीं और तुम मैं करने लग गए। सॉरी माता रानी, सॉरी माता रानी, हमें बकरी मत बनाना, सॉरी। तो बता क्या है सच, वरना इस दिवाली चले फुफुली और चकली बन जाए वंश बकरी। बता दो बता दो बता दो बता दो। सच ये है कि जो दादी की साड़ी है ना, वो उस मिर्ची डोरी तो इसके बाबा ने नहीं बल्कि किसी और ने फाड़ी है। मंजली बहू, प्रसाद होने के बाद पूजा की थाली तैयार करना। और तुम? जी ससुमा। चरणामृत जल्दी बनाओ। हाँ हाँ। वो रोहित जी इंतजार कर रहे। वैसे भाभी, आपने कुछ गौर किया क्या? जब से डोरी घर में आई है तब से भाई साहब का पारा कुछ अलग ही लेवल पे चढ़ा हुआ रहता है। वैसे तो भाई साहब पहले से ही गुस्से वाले हैं, पर पता नहीं डोरी को देखते ही उनका तापमान कुछ अलग ही लेवल पे आ जाता है। कभी कभी तो हम सोचते हैं अगर उनकी खुद की बेटी होती तो उसके साथ वो क्या ही करते। गंगा में बहा देता।